हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुप्रिया ब्यूटी टिप्स। दोस्तों सर्दियों में हमारा चेहरा काफ़ी ड्राई हो जाता है, काला पड़ जाता है और या फिर हम कोई क्रीम लगाते हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल ही ऑयली हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी क्रीम बताने वाली हूँ जो कि आपके चेहरे को सर्दियों में भी गोरा रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, तो मैं एक चम्मच कोकोनट ऑयल ले लूँगी और एक बाउल में ऐड कर दूँगी। अब दोस्तों मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो। तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले रही हूँ और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब दोस्तों मैं ले रही हूँ इसमें गुलाब जल। जो गुलाब जल होता है हमारी स्किन की जो ड्राइनेस होती है उसे मिटाता है और डेड स्किन सेल्स को निकालता है, तो एक चम्मच ऐड कर लूंगी। अब दोस्तों उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वैसलीन पेट्रोलियम जेली। तो थोड़ी सी आप वैसलीन की पेट्रोलियम जेली ले लीजिए, ये भी हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करती है और ठंड में फटने से रोकती है। तो मैं थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आपको इसे मिक्स करना है फ्रेंड्स। धीरे धीरे आप इसे मिक्स करिएगा, धीरे धीरे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक क्रीम फॉर्म में बदल जाएगी फ्रेंड्स। जो ठंड में आपके चेहरे पर अलग अलग तरीके के बॉडी लोशन अप्लाई करते हो या फिर क्रीम अप्लाई करते हो जिससे आपका चेहरा बिल्कुल ही काला हो जाता है या फिर आपका चेहरा बिल्कुल ही ऑयली दिखता है, सुंदर नहीं दिखता, आपका चेहरा चमकदार या गोरा नहीं होता, तो फ्रेंड्स ये जो क्रीम है अगर आप इसे यूज़ करोगे, उन सही क्रीम्स के बदले आप इसे यूज़ करोगे, तो आपकी स्किन बिल्कुल ही ग्लोइंग व चमकदार होगी और आपका चेहरा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और आपकी स्किन को ये बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी और आपके चेहरे पर होने वाले जो दाने हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। स्किन में जो आपको इचिंग होती है वो भी नहीं होगी। आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राई होने के बाद में खुजली होने लगती है आपके फेस पर वो भी नहीं होगी। आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसे अपने चेहरे पर, अपने फेस पर अप्लाई करना है, जहाँ पर भी आपको ड्राई स्किन लगे आप होल बॉडी पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही क्रीमी हो चुकी है, तो अब हम इसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक डेमो करके दिखा रही हूँ। आपको अपने फेस पर कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई कर लेना है। आपको अपने चेहरे पर इसे अप्लाई करने से पहले वॉश कर लेना है अपने चेहरे को, उसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है। दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी ग्लोइंग स्किन देने वाला है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करेगा। सर्दियों के दिनों में आपका चेहरे पे बिल्कुल भी कोई भी आपको कालापन नज़र नहीं आएगा। ये 48 आवर्स तक, न कि 24 आवर्स तक, बल्कि 48 आवर्स तक, 48 घंटे तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, ग्लोइंग रखेगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि मेरी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।